इसराइल हमास युद्ध के शुरू होने के बाद से पूरा मिडल ईस्ट दहल उठा है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू अपने तीखे तेवर के बाद से सबके निशाने पर है। इस बीच इजरायली एजेंसी ने एक बड़ी साजिश को नाकाम करने का खुलासा किया है। इजरायली अधिकारियों ने बताया कि पिछले महीने एक इजरायली नागरिक को गिरफ्तार किया गया था। शख्स पर कथित तौर पर इजरायली पीएम, रक्षा मंत्री या शिनबेट के प्रमुख की हत्या करने का शक था। इजरायल सुरक्षा एजेंसी ने शख्स का ईरान से सीधा कनेक्शन का भी दावा किया है। शिनबेट और इजरायल पुलिस ने साझा बयान जारी कर कहा कि संदिग्ध को ईरान में दो बार तस्करी करके लाया गया था। तेहरान की ओर से मिशन को अंजाम देने के लिए उससे पैसे मिले थे। संदिग्ध दक्षिणी शहर अश्कलोन का 73 वर्षीय मोती मामन है। वह एक बिजनेसमैन है जो लंबे समय तक तुर्की में रहा, जहां उसके तुर्की और ईरानी नागरिकों के साथ व्यापारिक और सामाजिक संबंध थे। इस साल अप्रैल में मामन ने दो तुर्की के लोगों की मध्यस्थता से ईरान में रहने वाले एक अमीर बिजनेसमैन एडी से मिलने के लिए सहमति जताई थी, जिससे व्यापारिक गतिविधियों पर चर्चा हो सके। ये खुलासा ऐसे वक्त पर हुआ है जब इसराइल और लेबनान के हिजबुल्ला में तनाव अपने चरम पर है। दोनों बड़े पैमाने पर युद्ध की कगार पर हैं। लेबनान पिछले दो दिनों से सीरियल अटैक से जूझ रहा है, जिसमें दर्जन भर से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, तो वहीं हजारों की तादाद में लोग बुरी तरह घायल हुए हैं। इसको लेकर हिजबुल्ला समूह ने इसराइल को कसूरवार ठहराया है। इतना ही नहीं, हिजबुल्ला ने इसराइल से बदला लेने की कसम भी खाई है। शिनबेट के मुताबिक मामन नाम का शख्स सीरिया के करीब तुर्की के शहर समंदाग गया था, ईरानी व्यवसायी की ओर से भेजे गए दो प्रतिनिधियों से मिला था। जब ईरानी व्यापारी तुर्की में मिलने के लिए ईरान से बाहर जाने में असमर्थ हो गया, तो मामन ने पूर्वी तुर्की शहर वान के निकट एक रोडवेज के जरिए ईरान में दाखिल हुआ। ईरान में मामन ने एडी और ख्वाजा नाम के एक और शख्स से मुलाकात की, जिसने खुद को ईरान के सुरक्षा बलों का सदस्य बताया। जांच के मुताबिक ईरान में एडी के घर पर एक बैठक के दौरान मामन ने खुद को एक इजरायली नागरिक के रूप में पेश किया। शिनबेट ने जांच में पाया कि उस बैठक में एडी ने इजरायली संदिग्ध को ईरान के लिए इजरायल में अलग अलग मिशनों को अंजाम देने का निर्देश दिया, जिसमें खास स्थानों पर पिस्तौल रखना, भीड़भाड़ वाले इलाकों की फोटो लेना और अन्य इजरायली नागरिकों को धमकाना शामिल है, जो ईरान की ओर से काम कर रहे थे और अपने मिशन को अंजाम नहीं दे रहे थे। मामन ने हामी भरते हुए तुर्की से होते हुए वापस इसराइल लौट आया। अगस्त में वह दूसरी बार ईरान से लौटे। जांच के मुताबिक उन्हें तुर्की से एक ट्रक के अंदर छिपा कर एक भूमि मार्ग से देश में लाया गया था। शिनबेट ने कहा कि ईरानी अधिकारियों ने हत्या की इस योजना को जुलाई में तेहरान में हमास नेता इस्माइल हानिये की हत्या का बदला माना है, जिसके पीछे इसराइल का हाथ माना था। दावा है कि मामन ने कोई भी काम करने से पहले $1 मिलियन की अग्रिम राशि मांगी थी, लेकिन ईरानी खुफिया एजेंटों ने उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और कहा कि वह भविष्य में उनसे संपर्क करेंगे। दूसरी बार ईरान छोड़ने से पहले मामन को बैठकों में भाग लेने के लिए ईरानी खुफिया एजेंटों में से एक ने 5,000 यूरो दिए थे।